सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। निकाय चुनाव के लिए नामांकन भरे जाने के आखिरी दिन नेताओं की रुचि चुनाव लड़ने के प्रति परवान पर रही और तीन बजते बजते 250 से अधिक नामांकन पत्र अधिकारियों के समक्ष दाखिल किए गए। तहसील कार्यालय में जिला परिषद के अतिरिक्त सीईओ डॉक्टर नरेंद्र चौधरी के समक्ष 123 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर वार्ड नंबर 31 से लेकर 60 तक के लिए कुल 129 नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी मूलचंद लोणिया के समक्ष पेश किए गए हैं। देर शाम तक नामांकन पत्रों की सूची बनाए जाने का काम दोनों कार्यालयों में जारी रहा। दूसरी ओर निर्मला देवी तोदी ने वार्ड नंबर 33 से निर्दलीय ग्रुप में, पूर्व उप सभापति बाबूलाल कुलदीप ने वार्ड नंबर 36 से कांग्रेस से, वार्ड नंबर 37 में पुष्पा देवी कुलदीप ने कांग्रेस से, वार्ड नंबर 26 में कांग्रेस से मधु बागरेचा ने नामांकन दाखिल किया है। वहीं वार्ड नंबर 16 में बतौर निर्दलीय यशोदा रुलानिया ने भी नामांकन दाखिल किया है। वार्ड नंबर 17 में बजरंग सेन की माता संपत देवी सेन ने भी निर्दलीय व कांग्रेस से नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। वहीं रामनिवास भुगालिया ने बीजेपी से वार्ड नंबर 3 में नामांकन दाखिल किया है। निर्दलीय के रूप में महावीर मंडा ने यहां पर नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं बीजेपी की ओर से 48 प्रत्याशियों की अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी करके रिटर्निंग अधिकारियों को पेश की गई है। वहीं कांग्रेस की ओर से भी अधिकृत प्रत्याशियों की सूची रिटर्निंग अधिकारियों को दी गई है, लेकिन बीजेपी की ओर से जारी की गई सूची जहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, वहीं कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशियों की सूची मीडिया तक को शाम तक मुहैया नहीं हो पाई। दूसरी ओर तहसील कार्यालय में भरे गए नामांकन पत्रों को देखा जाए तो वार्ड नंबर 1 में नोरतनमल मेघवाल ने, वार्ड नंबर 2 में विजय सत्यनारायण, विजय बजरंगलाल सत्यनारायण, सूर्य प्रकाश शांतला की ओर से 2 फॉर्म दाखिल किए गए। वहीं वार्ड नंबर 3 में महावीर प्रसाद ने निर्दलीय, रामनिवास भुगालिया ने बीजेपी की ओर से नामांकन दाखिल किया है। वार्ड नंबर 4 में चयन रूप की ओर से 2 फॉर्म दिए गए हैं। वार्ड नंबर 4 में हरिओम खोड़ द्वारा बीजेपी और निर्दलीय से 2 फॉर्म दिए गए हैं। वहीं हंसराज बुढ़िया द्वारा कांग्रेस से 1 फॉर्म दिया गया है। वार्ड नंबर 5 में ही हेमंत द्वारा कांग्रेस की ओर से, वार्ड नंबर 5 में ही कृष्ण गोपाल द्वारा निर्दलीय व बाबूलाल की ओर से बीजेपी व निर्दलीय के तौर पर 2 फॉर्म दिए गए हैं। वहीं वार्ड नंबर 6 में नवीन कुमार यादव व आनंद ने निर्दलीय के तौर पर, गोवर्धन लाल ने बीजेपी व निर्दलीय के तौर पर, रिचपाल ने भाजपा की ओर से नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं वार्ड नंबर 7 में शांति शांखला ने निर्दलीय के तौर पर, कांग्रेस के तौर पर अर्चना ने और रामचंद्र व अविनाश ने निर्दलीय के तौर पर फॉर्म दाखिल किया है। वहीं वार्ड नंबर 8 में मोहम्मद अकील ने निर्दलीय, वार्ड नंबर 8 में ही अमित मारोठिया ने कांग्रेस से और पुष्पा देवी ने निर्दलीय के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं वार्ड नंबर 9 में सराजुद्दीन ने, आरिफ भाटी ने और इमरान खिची और मोहम्मद असकर और अयूब की ओर से नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। वार्ड नंबर 10 में ही वसीम अकरम की ओर से 2 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। वहीं नज़ीर हुसैन की ओर से भी 2 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। अब्दुल कासिम, गुलाम ए मुस्तफ़ा ने भी नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। वार्ड नंबर 11 में समीरा बानो ने निर्दलीय और शबनम बानो ने कांग्रेस की ओर से नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। वार्ड नंबर 12 में सलीम खां, मोहसिन खां, मोहम्मद इमरान खान की ओर से नामांकन पत्र दाखिल किया गया है। वहीं मोहम्मद इरफान खान ने कांग्रेस के बतौर नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं वार्ड नंबर 13 में जहरा बानो ने निर्दलीय व कांग्रेस की ओर से नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं वाहिद हसन ने कांग्रेस व निर्दलीय के तौर पर भी नामांकन दाखिल किया है। वार्ड नंबर 13 में ही मोहम्मद आशिक ने निर्दलीय व कांग्रेस के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं वार्ड नंबर 13 में ही जमील व गुलशन की ओर से भी नामांकन दाखिल किए गए हैं। वार्ड नंबर 14 में समरीन ने निर्दलीय, रुवीना ने निर्दलीय, वार्ड नंबर 14 में रुवीना खातून ने कांग्रेस के तौर पर भी 1 फॉर्म दाखिल किया है। वहीं वार्ड नंबर 16 में रेखा ने निर्दलीय, अनुराधा पांडेय ने निर्दलीय, वहीं यशोदा रुलानिया की ओर से निर्दलीय के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किया गया। वहीं वार्ड नंबर 17 में राजूराम ने कांग्रेस की ओर से, वार्ड नंबर 17 में ही संपत देवी सेन ने निर्दलीय के तौर पर और संपत देवी सेन ने कांग्रेस के तौर पर भी नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं यशपाल का भी निर्दलीय के बतौर फॉर्म भरा गया है। वार्ड नंबर 18 में मनीषा शर्मा व सलमा के नामांकन दाखिल हुए हैं। वहीं वार्ड नंबर 19 में नीलोफर व शोएब राव के नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं। वार्ड नंबर 20 में जेबा परवीन व
वह मोबीना जेबा परवीन और मोबीना के कुल चार नामांकन पत्र दाखिल हुए। वहीं वार्ड नंबर 20 में ही कौशल्या कोसनीवाल ने भी बीजेपी की ओर से नामांकन पत्र दाखिल किया है। इसी वार्ड में दौलत पत्नी इलियास खां द्वारा भी नामांकन पत्र दाखिल किया गया। वार्ड नंबर 21 में मोहम्मद फैयाज, मोहम्मद जुलकर मोहसिन द्वारा दो नामांकन पत्र व मोहम्मद जुलकर इलियास आसिफ पड़िहार संदीप द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किए गए। इसी प्रकार वार्ड नंबर 22 में ऋषभ जाखड़, वार्ड नंबर 23 में अमराव पूजा दाधीच, सरोज पारिक, रूपा देवी द्वारा फॉर्म दाखिल किए गए। रूपा देवी द्वारा यहां पर दो नामांकन पत्र दाखिल किए गए। वार्ड नंबर 24 में नथमल द्वारा दो नामांकन पत्र। वार्ड नंबर 24 में ही आवेश ब्रह्म प्रकाश द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। यहाँ पर सद्दाम टाक व ब्रह्म प्रकाश के फार्मों की संख्या दो दो है। वहीं वार्ड नंबर 24 में ही दीनदयाल ने बीजेपी के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। वहीं वार्ड नंबर 25 मधु बागरेचा द्वारा कांग्रेस की ओर से, वार्ड नंबर 26 में भी पवन राज महेश पारीक द्वारा फार्म भरे गए हैं। यहाँ पर महेश पारीक के फार्म दो की संख्या में है। वहीं वार्ड नंबर 27 में प्रेम देवी गिड़िया व शर्मिला सोनी द्वारा भी नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। वार्ड नंबर 28 में अलका रंगावत, विद्यासाद मापा गोठड़िया, रतनी देवी, रूपा प्रजापत, गोमती देवी माया द्वारा व गोमती देवी और द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किए गए। वही वार्ड नंबर 29 में राकेश कुमार व तनसुख लाल द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किए गए। इसी प्रकार वार्ड नंबर 30 में सोनिका पिपलवा द्वारा कांग्रेस की ओर से, वह वार्ड नंबर 30 में ही फरजाना बानो ने निर्दलीय, उषा देवी द्वारा बीजेपी की ओर से व फरजाना बानो द्वारा एक कांग्रेस की ओर से भी नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। आपको बता दें अधिकृत प्रत्याशियों की सूची दोनों पार्टियों द्वारा जारी की गई है, जिनमें से बीजेपी ने कुल 48 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। वहीं कांग्रेस की सूची सामने नहीं आई है। दूसरी ओर उपखंड कार्यालय में जमा किए गए नामांकन पत्रों की सूची देर शाम तक मीडिया के समक्ष उपलब्ध नहीं हो पाई है, जिसके चलते उसके नाम अभी तक नहीं मिल पाए हैं। तो बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुधारगढ़ सूचना के साथ। लड़ना चाह रही हूं, मैं वार्ड के विकास के लिए कार्य करना चाहती हूं। मेरी सभी वार्डवासियों से यही अपील है कि सभी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूंगी एवं जो भी समस्याएं हैं उनको निपटाने में मेरा पूरी सहयोग रहेगा। आप पहले भी पार्षद रही हैं, मैं पहले भी पार्षद। प्राथमिकताएं क्या होंगी इस बार की? प्राथमिकताएं पानी बिजली की व्यवस्था एवं वार्ड में सफाई की व्यवस्था। देखिए, सबसे पहले तो हमारे नेता स्वर्गीय मास्टर मोहन लाल जी को मैं नमन करता हूँ। और जहाँ तक दोनों पत्नी पत्नी के चुनाव कांग्रेस से लड़ने की बात है, तो ये तो पार्टी ने निर्णय लिया है और पार्टी कांग्रेस पार्टी मजबूत पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। तो पार्टी चाहती है कि जीतने वाला कैंडिडेट हो, चाहे वो एक हो चाहे दो, जीतने की स्थिति में हो। तो पार्टी ने पुष्पा कुलदीप और बाबूलाल कुलदीप पर जो विश्वास जताया जनता के माध्यम से, दोनों वार्ड की जनता ने जो हमें भरपूर आशीर्वाद दिया है, जनता की मांग है कि सेवा करने वाला व्यक्ति हमारे बीच में आओ। तो इसके माध्यम से भाई मनोज जी मेघवाल ने और पार्टी के जो कमेटी है उन्होंने निर्णय लिया है कि जहां जीतने वाली पार्टी का कैंडिडेट है कांग्रेस के, चाहे वो एक वार्ड से लड़े दो से लड़े, मजबूत स्थिति में कांग्रेस है। और कांग्रेस पुनः मैं जनता के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, जनता का जोश है, क्रोश है, जो जनता में भयंकर जोश कांग्रेस पार्टी के प्रति है, जनता का माध्यम से कांग्रेस पार्टी मजबूत है, ज्यादा सीटें जीत कर आएगी और नगर परिषद पुनः कांग्रेस जनता के माध्यम से। आप पूर्व उपसभापति रहे हैं, आपके लिए देखा जो हमने सभापति सिकंदर खिलजी, उपसभापति मैंने और 30 पार्षदों ने
हमने जो सुजानगढ़ के विकास में जो 4 साल लगाए वो पिछले 20 साल में जितना काम नहीं और इस कार्यकाल में हुआ, और इस विकास की कड़ी को देखते हुए जनता वोट करेगी। जो हमने गरीब की सेवा की, गरीब के हर वार्ड तक पहुंचने का काम किया, विकास का काम किया, बड़े बड़े काम किए। माननीय मास्टर भवनलाल जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो जो अपने बीकानेर डिवीज़न में एक जो भवन नहीं है, आज वो एक मिसाल बनकर सामने आई, नगर परिषद का भवन बनाया। तो हम ये चाहेंगे कि जनता हमें आशीर्वाद दे और पुनः नगर परिषद में पहुँच कर इस सुजानगढ़ की जनता का सेवा करें और विकास में 4 चांद लगाएं। चुनावी मैदान में आला कमान ने और कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर जो भरोसा जताया है और जो मुझे 37 नंबर वार्ड से प्रत्याशी घोषित किया है, मैं उनके सारी मनोकामना और जो कार्य हैं उनमें पूर्ण तरह उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर जनता मुझे वोट देती है और निर्वाचित होती हूं, तो मास्टर भंवरलाल मेघवाल जी, मंत्री जी जो रहे थे हमारे बीच, उनके जो अधूरे कार्य हैं उनको पूरा करने में मैं अपना पूरा सहयोग दूँगी और कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने की भरपूर कोशिश करूँगी। मैंने वार्ड नंबर 40 से फॉर्म जमा करवाया है और वही प्राथमिकता है जो पिछले 5 साल में रही है और पूरे वार्ड के सामने है और आप मीडिया के थ्रू भी पूरे गांव के सामने है, पार्टी के सामने है। उसी बेस पे विकास के नाम पे चुनाव है और विकास के नाम पे वोट मांगना है। जो विकास बाकी नहीं छोड़ा 5 साल में, फिर भी कोई बाकी रह गया तो अगले 5 साल में वही विकास की गंगा बहेगी और वही विकास की आंधी और तूफान आएगा वार्ड नंबर 40 में, और हर व्यक्ति का जो भी छोटा से लेकर बड़ा काम तक जो भी रहेगा इन 5 सालों में पूरा किया जाएगा। ये मेरी वार्डवासियों से वादा है और पार्टी को भी यही वादा है कि मैं अपनी सीट जीता के और पार्टी को दूंगा। मैंने 54 नंबर वार्ड से भाजपा की उम्मीदवारी के हिसाब से पर्चा दाखिल किया है। जनता आशीर्वाद देती है। मैं सबसे पहले तो मेरे वार्डवासियों से अपील करना चाहती हूँ कि मेरे वार्ड के जो भी जिस वार्ड से मैं चुनाव लड़ रही हूँ उस वार्डवासियों से मेरा निवेदन रहेगा कि जिस विकास के लिए वो चाहेगा उस विकास में मैं पूरी खरे उतरूंगी, उनकी सेवा में किसी तरह की कोई सेवा में कमी नहीं रहने दूंगी। इस बार सभापति की जो सीट, सबसे पहले शहर के लिए विकास में सुजानगढ़ को जिला बनाना, जिला बनाना मेरा मुख्य मुद्दा रहेगा, क्यों हमारा सुजानगढ़ इतना सब तरह से जिला बनाने योग्य है, इसमें कोई ऐसी कोई कमी नहीं है कि यहाँ जिला नहीं बने, ये रहेगा। और हमारे जो पटरी हैं उसमें अंडरब्रिज और ओवरब्रिज, हमारे सुजानगढ़ की आधी आबादी लाइन से उस पार रहती है, वो उसमें जब ट्रेन आती है तो किसी भी स्थिति में हम लोग इधर आ नहीं सकते, कहीं बीमार हो या कोई कैसे भी पेशेंट वगैरह हो तो हम आ नहीं सकते। जय हिंद जय भारत। मैं एडवोकेट जयश्री दादीच वार्ड नंबर 49 से नगर परिषद का जो चुनाव है वो लड़ने जा रही हूँ, और सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि उस वार्ड में शमशान घाट है और ये गौशाला है, लेकिन बारिश के टाइम में वहाँ पे जाने में लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो ये सारी समस्याएं हैं, बिजली की है और साफ सफाई की है, तो मैं इन सभी को अपनी ओर से पूरी कोशिश करके दूर करने का प्रयास करूँगी। सामान्य महिला की सीट है, इस बार सभापति के लिए आपकी क्या दावेदारी रहेगी? फिलहाल मैं सिर्फ अपना वार्ड संभालना चाहती हूँ और उसी की पूरा ध्यान रखूंगी और उनकी सभी समस्याएं जो भी होंगी, मूलभूत आवश्यकताएं जो है उनको पूरा करने का कोशिश करूंगी।